जय हिंद साथियों। नाम है इस सैनिक का अमृतपाल सिंह, उम्र करीब 19 साल। जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इस सैनिक की तैनाती हुई थी। इसका जो नंबर है वो है A22000058N है और इसकी जो यूनिट है वो 10JAK है राइफल्स, और इसकी जो रैंक है वो अग्निवीर की है। करीब 19 साल में ये नौकरी से मिली और इसकी अग्निवीर की नौकरी मिली और सेना के साथ ये जुड़ गया और उसके बाद गांव में जबरदस्त जश्न मना। लेकिन पिछले बुधवार को एक खबर आई कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस शहीद हो गए। इस सैनिक का शहीद होने के बाद किसी भी सैनिक का जब गांव में पहुंचता है, उसके गांव पहुंचता है, तो बाकायदा सेना की गाड़ियां होती है, सैनिकों की मौजूदगी वहां पे होती है। वहां पर आखिरी समय में सलामी सेना के लोग ही देते हैं। लेकिन अमृतपाल का शव जो है एक प्राइवेट एम्बुलेंस में घर पहुंचा और सेना के कोई अधिकारी उनके साथ मौजूद नहीं था। गांव के भीतर में गांव वालों ने आग्रह किया पुलिस थाने में जाकर के कि आप इस शहीद को सलामी दे दीजिए, और उसके बाद पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही उस जवान का अंतिम संस्कार हुआ। राष्ट्रवाद का जिक्र होगा तो इस भारत देश के भीतर सेना का जिक्र होगा, सैनिकों की शहादत का जिक्र होगा, लेकिन यह एक अग्निवीर की अंतिम संस्कार या अंतिम क्षण के जो शहीद होने की जो ऐसी गाथा है जिसमें सिवाय उसके कि वह अग्निवीर एक नौकरी करने गया था और वह मारा गया, उसके बाद से सरकार बेफिक्र, मीडिया पत्रकार बेफिक्र, कोई जानकारी खुल करके आगे नहीं गई। यह एक सिर्फ एक ऐसी घटना है आज के, जब उसका शव गांव पहुंचा, उस सैनिक के गांव पहुंचने के बाद जब उस देश के राष्ट्रवाद को देखना परखना समझना चाहते हैं, इस देश के भीतर में जो घपले घोटालों उस सबको जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि इस सरकार के भीतर की जो बनती पॉलिसी नीतियों से इस देश की वाकई जनता वाकिफ क्यों नहीं हो पाती है, तो पत्रकार पर कसता हुआ जो शिकंजा है और पत्रकार का वह तमाम खबरों से दूर होते चला जाना, यह बिल्कुल अभी समय पर वर्तमान समय की एक ऐसी हकीकत है जिसने एक देश की बड़ी बड़ी खबरों को इसमें दब जाते हैं, छुप जाता है, दबा दिया जाता है और कोई भी जानकारी लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचती नहीं है। एक इसके लंबी जो लिस्ट है इस समय में, और इस समय में एक दो नहीं बल्कि दर्जन सैकड़ों खबरें ऐसे हैं जो वो मीडिया पत्रकार से दबा हुआ है। जरा इन खबरों पर मीडिया पत्रकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कटघरे में सरकार से कटघरे में सवाल पूछे जाते हैं और जनता के भीतर कहीं ना कहीं एक कचोट से एक दुख सी होती कि सरकार ऐसी क्या हो सकती है, क्या वह भ्रष्ट भी हो सकती है, वह अपनी रणनीतियों को छिपाती भी है क्या। वह उस लिस्ट को जरा आप समझना शुरू कीजिएगा तो एक क्षण के लिए आपको लगेगा कि पत्रकार का जिक्र आते है कि इस समय में जो इजराइल गाजा पट्टी में कर रहा है लगातार, उसको लेकर के इस देश के तमाम मेन स्ट्रीम पत्रकार के और उनकी पत्रकार कर्मियों की मौजूदगी आपको नजर आ सकती है। आपको वीजा अगर चाहिए तो 2 लाख रुपया का वीजा इसराइल जाने पर लगता है और गाजा पट्टी कोई जाने को तैयार नहीं है। ठीक उसी तरीके से ही जिस तरीके से मणिपुर के भीतर में जो घटनाएं हुई कोई कवर करने के लिए वहां नहीं पहुंचा। गाजा पट्टी में जितनी भी तादाद में वो लोगों की मौजूदगी वहां पर है उससे लगभग दोगुनी जनसंख्या मणिपुर के भीतर भी है। लेकिन एक पल के लिए जरा आप उसको भूलिए, फिर भी इस दौर में जो इस समय बड़ी बड़ी खबरें छुपा लिया जाता है वो सबसे बड़ी खबर तो अडानी से कंपनी से ही जुड़ा हुआ। इस दौर में जानकारी यह भी निकल करके बाहर आया कि किस तरह से इंडोनेशिया के अंदर जो कोयला खरीदा जाता है और वह अपने ही बंदरगाहों पर, जब अडानी की बंदरगाह पर वह उतरता है कोयला तो उससे करोड़ों के बारे न्यारे प्यारे सब एक दिन के भीतर ही हो जाते हैं। और उसकी पूरी जो फहरिस्त जब निकल करके आई तो बताया यह भी गया कि दरअसल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहाँ की जो है पूरी की पूरी जो कच्चा चिट्ठा है वो अकाउंट का सरकार उसकी भी जांच कर रही है। और जब ये खबर पत्रकारों के जरिए बाहर नहीं आया, उसको अपने समय पे अडानी ग्रुप ने सेबी को कह दिया, तो ये चीज़ निकल करके बाहर आई। लेकिन एक पल के लिए जरा आप समझिए, लौटी जो इंडोनेशिया से कोयला आ रहा था वो 30 शिपमेंट के लगभग 1073 करोड़ रुपए के गुजरात पोर्ट पे पहुंचता है और उसमें से 533 करोड़ का इजाफा हो जाता है। यानी सरकार को चुना, देश के राजस्व को चुना और रानी कंपनी अडानी कंपनी को फायदा। ये 2020-21 का हिस्सा है, लेकिन इसके बाद जरा 21-22 में आप लोग चलिए तो 2000 शिपमेंट के जरिए 12,000 करोड़ का खेल होता है।
क्या यह खबर अगर पत्रकार के जरिए स्क्रीन पे आता और देश के भीतर एक सवाल उठता, संसद के भीतर भी नहीं बाकायदा मीडिया पत्रकार के जरिए सवाल उठता ना कि आखिर अडानी और देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के बीच में रिश्ते क्या हैं। दूसरा एक और सवाल है कि इस समय में महाराष्ट्र के भीतर जो पूरी की पूरी हेल्थ सिस्टम है, स्वास्थ्य का चरमराता हुआ चेहरा उभर करके आया, जो हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, क्या उस पर कोई सवाल किया गया या उस खबर को इसलिए दबा दिया गया क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर में भाजपा की सत्ता है भी। महाराष्ट्र के भीतर में जो सत्ता का जो हेरफेर हुआ, क्या यह जानकारी आपको बिल्कुल है? दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट को कहना यह पड़ गया है स्पीकर से कि आप फटाफट अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करते हैं, क्यों नहीं देते हैं। तो अगर आप रिपोर्ट नहीं देंगे तो हम रिपोर्ट देंगे, लेकिन सवाल यह है कि जो देश के भीतर में संसद और डेमोक्रेसी है, अगर उसको सत्ता अपने हाथों में कब्जा कर ले और मीडिया पत्रकार उसको ना बताए तो फिर कोई भी जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचेगी? एनसीपी का टूटना हो या शिवसेना का टूटना हो या उसके बाद की परिस्थितियां जो महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के भीतर से घूमते हुए स्पीकर के चार दीवारी तक घूम रही है, यह आपको जानकारी है? नहीं होगी क्योंकि यह खबर बिल्कुल कहीं आई नहीं। जब ग्लोबल हैंगर इंडेक्स का जब जिक्र हुआ और कहा गया कि भारत दुनिया के 120 देशों के पायदान पर भारत का नंबर 111, तो लोगों ने कहा पिछले साल 107 था, इस वर्ष 111 है। भूख का जिक्र होते ही प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना आपके मन में रेंगता होगा, लेकिन जरा आप देखिए पत्रकार के भीतर में इस समय में जब प्रधानमंत्री पीएम मोदी देश के पीएम बने थे तो 120 देशों में भारत की रैंकिंग जो है वो 55 नंबर पे थी और इस समय में दोगुने से ज्यादा स्थिति में नाजुक हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि खुले आसमान तले या फिर पारदर्शी तरीके से जब इस देश के भीतर में पत्रकार अपने चंगुल में इस देश की सत्ता ने जब उसको पकड़ रखा है, दबोच रखा है, तो ये बड़े बड़े खबरों को दबाते हुए चली जा रही है। उड़ीसा का रेल एक्सीडेंट आपको पता होगा, याद होगा, जरूर याद होगा, लेकिन बीते दिनों में बक्सर के रेल एक्सीडेंट जो कुछ चंद दिनों में हुई है, जो क्या स्क्रीन पर कोई देखता हुआ दिखा कि क्या वहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट हुआ या फिर नहीं हुआ, जिम्मेदारी किसकी थी, भूल किसकी थी या फिर किसकी नहीं है? क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी से उड़ीसा के दौर में जो जहाँ पर सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई थी उसमें रेल मंत्री को ही क्लीन चिट दे दिया गया। और जिस तरह से सरकार उंगली रख देती है उसी उंगली को सबसे बड़ा दिखाने में पत्रकार मीडिया चूकता ही नहीं है। लेकिन सवाल इतना भाजपा शासित राज्य का नहीं है तो जब मीडिया डिरेल हो जाता था किसी भी दिशा में ध्यान नहीं देता। ये आप कल्पना कीजिए कि राजस्थान के भीतर पेपर लीक जो हो रहा था, वहां के जो मुख्यमंत्री ने जिस नियुक्ति किया, वो नियुक्ति के बाद भी यह कहते हैं कि देखिए हमने गलत व्यक्ति की नियुक्ति कर दिया, इसलिए आप हमारी गलती को समझिए। लेकिन इस समय में जो छात्राओं के साथ हुआ, जो छात्र के साथ हुआ, जो युवाओं के साथ हो रहा है, जो कुछ भी वहां पर हो रहा था, सबको क्या आंख मूंद ले कोई रिपोर्ट आपने देखा? यानी चलते हुए सत्ता की गड़बड़ी और कमजोरी इस समय में कैसे दबते हुए चला जाता है उसकी एक जरा तस्वीर आपका सीएजी के तरफ से भी नजर आ गया था। क्या इस बात की जानकारी है कि सीएजी के अब किसी भी रिपोर्ट को लेकर के संसद के भीतर में अब ऐसा चुनाव से पहले नहीं हो पाएगा क्योंकि तमाम फील्ड वर्क जो किया जा रहा था उस सबको रोक दिया गया और सीएजी अब किसी भी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है और वो ना हस्ताक्षर करेंगे जी। यानी 40% सीएजी का स्टाफ जो फील्ड रिपोर्टिंग कर करके जानकारी इकट्ठा करते और देते हैं, वो सरकारी रिपोर्ट अब उस इस देश के अलग अलग मंत्रालयों को लेकर के इस समय में अब कोई रिपोर्ट नहीं सामने आएगा जी। और सीएजी भी किसी रिपोर्ट को अब पार्लियामेंट के संसद के भीतर रखने के लिए हस्ताक्षर नहीं करेंगे, या रोक टोक क्या सरकार के जरिए लगाई गई या फिर किसी ने इसे खंगालने की कोशिश कोई मीडिया पत्रकार के द्वारा किया गया? क्योंकि यह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार नहीं चाहती है कि जिस तरीके से इस देश के स्वास्थ्य सेक्टर और सड़कों का जो निर्माण का जो हेरफेर जो सीएजी के तरफ से दिखाया गया, 11-12 ऐसे मंत्रालय के तरफ से जो सीएजी के रिपोर्टों से जानकारी निकल करके आई थी उसमें भी सरकार की चूल्हे हिल गई थी, तो बड़ी रिपोर्ट कहां से सामने आएगी? क्योंकि क्यों ने सीएजी को यह कह दिया गया कि आप कोई रिपोर्ट आप जारी ही नहीं करेंगे क्योंकि आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे ही नहीं, क्योंकि सारे हस्ताक्षर इस दौर में बंद कर दिए गए जी। अब सब कुछ खुले मंजिल के नीचे दिखने को दिखता है और उसके इस दौर के इस समय में जो पेपर लीक जब राजस्थान की चर्चा की, आरपीएससी जो वहाँ के थे इसी बात का और जिक्र और नियुक्त लोगों का जिक्र कौन कर रहा था? सचिन पायलट जी कर रहे थे। सचिन पायलट किस पार्टी से आते हैं? कांग्रेस से आते हैं। वो
मुख्यमंत्री किस पार्टी के, कांग्रेस के हैं, यानी वहां पर इतने भोतला होता चला जा रहा है पत्रकार कि उस दिशा में वो देखने को तैयार ही नहीं कि किसी खबर को उठा करके वो कोई मशक्कत कर दे इस बात को लेकर कि क्या वाकई इस देश के जो अब सत्ता सरकारों की तरफ इशारा करती है या आम लोगों से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के बिल्कुल कोई महत्ता नहीं, क्योंकि 9 सालों में देश के मीडिया पत्रकारों को इस रूप में उसको अपने शिकंजे में लिया गया कि खबरें को दबाती चली गई, छुपते चली गई। जो पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी, एक झटके में ही मीडिया पत्रकार उसको हड़प गया, ढकार गया, और एक भी खबर आपको दिखा नहीं होगा कि लोगों के भीतर में कितना गुस्सा है कि ओल्ड पेंशन योजना सरकार क्यों लागू नहीं करना चाहती, क्यों लागू नहीं कर रही है। तो क्या इस समय में वाकई में फोर्थ एस्टेट खत्म हो चुका है, चौथा पिलर खत्म हो चुका है, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, कोई सरकार से सवाल पूछेगा नहीं? क्योंकि उसके बाद की परिस्थिति देखिएगा, महाराष्ट्र के भीतर की, झारखंड के भीतर भी, उड़ीसा के अंदर, उत्तर प्रदेश के भीतर, बिहार के अंदर, इन तमाम ऐसे राज्य हैं जैसे किसी भी ऐसी खबर को आपने इस दौर में समझा और परखा प्रमुखता से की कि वहां की सरकार को लेकर के कोई सवाल किया जा रहा है? क्या वाकई एक हैरत की बात नहीं है कि दिल्ली के भीतर का एक सांसद सरकारी बंगले को अपने पास रखने के लिए अदालत का दरवाजा तक खटखटा रहा है कि वह अपने बंगला अपने पास रखना चाहिए? वह वही आम आदमी पार्टी का जो कि एक समय में गाड़ी और बंगलों से परहेज करती है, तो क्या यह बड़ा परिवर्तन इस समय में नहीं, राजनीतिक तौर पर नहीं आ गया? लेकिन आपने कोई ऐसा बहस सुना क्या दिल्ली से सरकार बहुत ऐड देती है, क्या पीएम मोदी ने शिकंजा भी कसा और आर्थिक तौर पे एक बिजनेस मॉडल भी दे दिया? तो फिर लोग कहाँ गए, जनता कहाँ गई, आने वाली खबरें उसके से जुड़ा हुआ कहाँ गया? तो पत्रकार जब भोटला होते चला जाता है तो किस तरीके से वो अपने जोकरिंग करता है, इस समय में खुले तौर पर यह देख रहा है। लेकिन मुश्किल हालात ये है कि इतना ही नहीं है, जानकारी यह भी निकल करके बाहर आ रही है कि जो अलग अलग जगहों पे, एक तरफ राजस्थान का जो जिक्र कीजिए, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का जिक्र कर लीजिए, दोनों जगहों पे चुनाव, विधानसभा चुनाव होने वाले, एक तरफ भाजपा की सत्ता है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सत्ता है। मध्य प्रदेश के भीतर में कांग्रेस यह जानकारी दे रही है कि व्यापम के जरिए 2000 करोड़ का घपला घोटाला हुआ है, पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला लगभग 2500 करोड़ का है, नर्सिंग घोटाला तकरीबन 2000 करोड़ का है, पटवारी भर्ती घोटाला लगभग 800 करोड़ का है, और पेपर लीक जो राजस्थान के अंदर हो रहा था उसके जरिए जो आंकड़ा निकलता है वह तकरीबन 12000 करोड़ का निकल करके आता है। लेकिन कोई जिक्र इस मेन स्ट्रीम मीडिया से हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, ये सारे सवाल जो इस समय में गायब हो गया बिल्कुल। तो क्या 3-4 सवालों पर इस समय में जो ध्यान देने की जरूरत है? हमारे देश की राष्ट्रवाद अग्निवीर के जरिए जरा आप देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे स्टार्ट में, सेना के जरिए राष्ट्रवाद को आप परखना चाहते हैं तो वह भी कहीं अब बिल्कुल ढकेल दिया गया है हाशिए पर। और इस देश की बढ़ती आर्थिक स्थिति में जनता के लिए और जनता के साथ खड़े होकर के जरा कॉरपोरेट का खड़ा होकर के कोई काम नहीं करता, कोई भी उसका प्रोडक्ट इस समय में नहीं नजर आएगा जिसके जरिए आप यह कह पाए कि हाँ इसके जरिए इसका नेटवर्क बढ़ना चाहिए। इस देश के अंदर में पहला बार ऐसा है कि पत्रकार और सत्ता की जो जुगलबंदी हुई है उस लोकतंत्र को ही हड़प लिया, ढकार गए, जिसको इस देश के भीतर की खबरों को ही लोगों तक जानने का हक था, जो था उस मंच के जरिए उस अपने सवालों को जो जरा खड़ा कर सकती थी उसको एक ही पल में छाप कर दिया गया। यह सवाल है। एक और सवाल है कि इस देश के भीतर की जो तमाम ऐसी बड़ी घटनाओं, जो घटनाएं सरकार को कहीं आहत करती हो, वह ये भी हो सकता कि आपके मन में हो कि वाकई इस देश के भीतर में भाजपा के सांसदों को कोई छू नहीं सकता। ईडी का मतलब इस देश के अंदर अलग थाने के तौर पर अलग दिखता है, चल रहा है। लेकिन इससे जरा हट करके एक पल के लिए जरा एक बात सोचिए कि इस समय जिस दौर में रफ्तार जो है ये राजनीतिक के केसेस को लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के अंदर ये तीनों सक्रिय हैं, उसी समय में आम लोगों के केस को लेकर के लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका लगभग 127% जो है नीचे डाउन हो रही है, गिरती जा रही है, यानी उसकी रफ्तार, यानी पूरा सिस्टम कैसे इस समय में धीरे धीरे अपने आप को कोलैप्स यानी खत्म होते जा रहा है, यह आपका ये पूरा संकेत नजर आ रहा है आपको। उसके बाद की जरा परिस्थिति को समझिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण इस समय की स्थिति है, वह सिस्टम जिसको आप खोजना चाहते हैं
इस देश के भीतर में अंदर में तमाम ऐसे मंत्रालयों के अधिकारियों को बहुत बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया गया कि आपको इस तरीके से काम करना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के पास कोई भी मुश्किलें सामना खड़ा ना हो। जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, जो इस समय में जिसकी पैसे के जरिए पूंजी और बोली लगाई जा रही थी, जिसको मोनेटाइजेशन कहते हैं, इस सारी चीजों को लेकर के आप जरा आपके सामने कोई भी ऐसा जानकारी नहीं आएगा। क्या आपको यह भी जानकारी है कि अब इम्प्रिंट बजट जो इस सरकार को देना है फरवरी के महीने में, यानी सरकार का आखिरी बजट होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का, उस समय उस बजट को लेकर के सरकार ने इससे पहले यानी इंडस्ट्री लोगों से मिलते, महिलाओं से मिलते थे, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से जो मिलते थे, एमएसएमई के लोगों से मिलते थे, अब एक ऐसी नया परिस्थिति इस समय परिस्थिति बन गई है कि किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि पुराने आंकड़ों के जरिए नए तरीके से उसको किस रूप में परोस दिया जाए, उसके जरिए जरा बजट के भीतर आने वाले समय में भारत देश कैसे विकसित होगा, जिसकी पहली जो रेखाएं हैं पिछले बजट में यह कह करके बोला खींच दिया गया क्योंकि 2047 के अंदर भारत विकसित हो जाएगा। अब सवाल इस समय यह है कि अलग अलग उपलब्धियां जो इस देश का अलग अलग प्रोफेशनल्स जो अपने इस देश में, चाहे वो चंद्रयान का ही जिक्र कर लीजिए, चाहे वो G20 का जिक्र कर लीजिए, इन्हीं एस्पेक्ट में भारत का देश का बजट भी रखा जाएगा और जरा यह भी बताया जाएगा कि यही ऐसा ही तैयारी होनी चाहिए, क्या इस देश को सामूहिक तौर पर चांद पे चला जाना चाहिए और G20 में शरीक होना है और उसके बाद किस किस तरीके से किस किस कार्यक्रम को किस किस तरीके से करना है, यह भी बतलाना कहना जरा एक पल के लिए आप दोबारा उन परिस्थितियों में घूमिए और लौटिए तो पता चलेगा। क्या सोचना यह शुरू कर लीजिए कि एक इस देश का आम व्यक्ति, इस देश का एक आम लड़का जो डिग्री लेकर के नौकरियां को ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, इस देश के भीतर में ऐसे पेंशन भोगी जो बुजुर्ग हो चले हैं, मरने पे जो वो ऐसे महिलाएं जो हक की राजनीति के हर राजनीतिक दल पैदा करती है, लेकिन जरा इन तमाम लोगों को, इन तमाम तबकों के भीतर जरा आप झांकिएगा जो इस देश की स्थिति 1991 में थी, 1991 के अंदर, अब सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर जरा आप देखिएगा तो 2023 में उससे भी और ज्यादा गिरता हुआ बदतर हालात इस समय में सारे समुदाय खड़े हैं। क्या इस पर चिंता करना चाहिए या सरकार यह कहेगी नहीं नहीं आंकड़ों को आप जरा बदलिए, पहला बेस 2011 को बना लीजिए और उसके बाद जरा अगर ना हो तो 2014 से ही पूरी इकोनॉमी और पूरे सोशल स्ट्रक्चर को जरा अध्ययन आप कीजिए और यही पत्रकार पे दबाव होगा कि वह मान करके चले कि 2014 से ही दुनिया शुरू होती है भारत के भीतर में। जी जरा मुश्किल सत्ता राजनीतिक की नहीं है, मुश्किल इस समय में उस मीडिया पत्रकार की है जिसको यह काम है, जिसका इसको लाइसेंस सरकार देती है कि आपकी जिम्मेदारी है ये, वह उस जिम्मेदारी से मुक्त होकर के अगर तमाम खबरों को एक एक करके छुपाने लगे, एक जो एक आंकड़ा निकलता है कि इसकी जो जानकारी आप है कि जरा उसको समझे पत्रकारों के, तो जरा बिहार से इस बात का जिक्र अगर किया जाए जहां पर ओबीसी का जिक्र हो रहा है बहुत बार बार किया जा रहा है, बिहार के अंदर जो पर कैपिटा इनकम जो है, जो वहाँ की आर्थिक परिस्थितियाँ हैं वह इतनी भी बदतर हो चुकी है बद से कि जो 1974 के अंदर थी उन्हीं स्थिति में आज भी बिहार, इतने साल बाद भी बिहार की स्थिति वही है, इस बात का जिक्र कौन करेगा और पत्रकार क्यों नहीं करेगा? और बिहार के अंदर क्या पत्रकार खड़ा होगा तो क्या उस सत्ता दबा देगी पत्रकार को? बंगाल के भीतर की जो मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक हालात जो है 1991 से जो उसका सोशल इंडेक्स जो नजर आता है उससे ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो क्या वहाँ की सरकार ममता बनर्जी दबा रही है इस चीज़ को? क्या इस देश के भीतर में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पूरी नीतियाँ हैं नीति आयोग के जरिए जो निर्धारित की जाती है, इस देश के अंदर जब जिक्र ये हो रहा है कि 1991 जहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया जाता है होता है, वहाँ पर इस परिस्थिति में आर्थिक सामाजिक और हालत, वह चाहे गरीबी को लेकर के हो, भुखमरी को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, या फिर जिंदगी जीने की तमाम जो न्यूनतम तौर तरीके उपलब्ध होने चाहिए, जो एक राज्य की अपनी जिम्मेदारी है कि उसकी उसे उपलब्ध करानी चाहिए, और दूसरी स्थिति होती है कि अपने पैरों पे वह खड़ा हो, या दोनों परिस्थितियां इस समय में इतनी भी नाजुक हो चुकी है कि आप पीवी नरसिंह राव के दौर से मोदी सरकार की तुलना आप जरा कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सवाल सरकार किसी मुश्किल हालात में आपको डाल दे, ऐसा हो सकता है? इस देश के भीतर में पत्रकार को जरिए इस देश के खाने अंधेरे को जरा पकड़ पाने की स्थिति में ऐसा कोई नहीं है।
या फिर कोई दबाव है, और इतना बड़ा दबाव इस समय में काम कर रहा है कि पत्रकार खुले तौर पर रिपोर्टिंग ही अपना भूल गई, अपनी खबरों को बताने के तौर तरीकों को भूल गया, अपने चौथे स्तंभ को ही भूल गया, और सत्ता की शासन इतना होने लगा कि इस देश के भीतर के कोई भी मांग हो इस देश के लोगों का, लेकिन कोई भी उसके मीडिया पत्रकार इसको कवरेज नहीं करेगा। जैसे कल एक शहीद को लेकर के भी इस मीडिया पत्रकार उसके गांव पहुंच जाता था कल तक, लेकिन कल आज जो खबर निकल करके बाहर आई उसमें जब अमृतपाल का जब शव उसके गांव पहुंचा उस सैनिक का, तो वहां पे ना कोई सेना का अधिकारी मौजूद था, ना ही कोई पुलिसकर्मी मौजूद था। गांव के महिलाओं ने शवों को अपने कंधे पे उठाया और गांव वालों ने पुलिस थाने पहुंच करके रिक्वेस्ट किया और चार बंदूकधारी कम से कम यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर तो दे दे। तब जाकर के उसे अग्निवीर था वो सेना था, इस समय के अग्निवीर जो इस देश के भीतर धीरे धीरे जो मीडिया पत्रकार के भीतर भी होंगे और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी होंगे और संसद के भीतर भी होंगे, जो खामोशी बरतने को ही अपनी वीरता में तब्दील कर देती है। एक नया राष्ट्रवाद है, समझिए इस बात को। इस देश के अंदर कितना डार्कनेस है, और हो उससे पहले ही आप लोकतंत्र के चारों स्तंभ को जरा जगाने की जरूरत है। यह कैसे होगा ये आप भी सोचिए। जय हिंद।